हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 9 बजे मंडे टू फ्राइडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के सवाल है जो कि हम लोग कवर करते हैं। 9:10 हो चुके हैं और ठीक है, यहाँ पे गौरव बोल रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। बिल्कुल सर, आपका स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना। आपका स्वागत करने के लिए तो डेली इतनी सारी 150 सारे चैनल के ऊपर क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम आपका। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 9 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। ठीक है गाइस, एनटीपीसी के, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे रेगुलर देख रहे होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी के ऊपर BHU 10 लगा सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। 1 जून से प्लस कोर्स नया स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन बैच का, जहाँ पे कंप्लीट GK है जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। SSC वाली कैटेगरी में ये प्लस कोर्स है जो कि आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, ये पहला सवाल है आज का आपका, जो कि आपको आंसर है जो कि करना है। ठीक है, आंसर बताइए। आंसर बताइए गाइस, क्या आंसर होगा इसका। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, देखो 1987 में ये राज्य है जो कि बना था, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात। आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो यहां पे आप देख सकते हैं 20 फेब 1987 को अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना। इसको NEFA जो है 1972 तक कहा जाता था, उसके बाद में UT बना, उसके बाद में ये 87 के अंदर राज्य है दोस्तों जो कि बन गया। कैपिटल इसकी ईटानगर है। ठीक है, और 13 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है जो कि देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हैं 1.3 13 लाख की पॉपुलेशन है, 2 बिलियन USD की GDP है और 66% लिटरेसी रेट है। इंग्लिश यहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। ओके, देश केंद्र राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है, कौन है दोस्तों जो कि लोन का जुगाड़ करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आंसर करिए। अरे बहुत ही बच्चों वाला सवाल है भाई, कौन करेगा, RBI तो करेगा, तो RBI आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वहां पे बी गलत लिखा है, उसको सी कर लेना। ठीक है, कैसे पैसे देता है, बहुत सारे तरीके हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल्स है ना, इनके माध्यम से जो है पैसा देता है सरकारों को। यदि क्रीम क्रैकर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, तो ये क्रीम क्रैकर नहीं है, तो यह प्रोग्रामिंग नहीं है, यह सही बात है कि गलत बात है। अगर क्रीम क्रैकर का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, तो क्या क्रीम क्रैकर नहीं होगा, तो क्या वो प्रोग्रामिंग नहीं होगा क्या। थोड़ा अजीब सा सवाल है। जल्दी बताइए। देखो, क्रीम क्रैकर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर क्रीम क्रैकर नहीं होगा तो क्या प्रोग्रामिंग नहीं होगी, यह बात तो गलत है ना यार, प्रोग्रामिंग तो और भी हो सकती है। यानी कि सी आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए मेरी बात। ठीक है, समझ गए मेरी बात, प्रोग्रामिंग और भी हो सकती है, जरूरी नहीं क्रीम क्रैकर नहीं हो तो। चलिए अगला सवाल। धीरज लाल हीराचंद अंबानी द्वारा स्थापित इस कंपनी की शुरुआत मसालों के व्यापार से हुई थी, धीरजलाल हीराचंद अंबानी मसाले बेचने से स्टार्ट हुई थी, कौन सी कंपनी थी भैया।
देखो 1950 के अंदर रिलायंस की शुरुआत जो है ना वो दोस्तों मसालों से हुई थी। उस टाइम पे धीरज लाल हीराचंद अंबानी जी ने दोस्तों स्पाइस जो है वो बेचने चालू करे। उसके बाद में फिर धीरूभाई अंबानी ने एक पॉलिएस्टर कंपनी बनाई थी जिसका नाम बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो कि रखा था। ठीक है गाइज, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको मालूम है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, इंडिया की जीडीपी का 3% के समवेयर रेवेन्यू यही जनरेट कर रहा है। चलिए ठीक है, धीरज लाल हीराचंद अंबानी आप देख सकते हैं 1932 के अंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ है ना। अरब मर्चेंट के साथ में मसाले बेचने से इन्होंने शुरुआत है जो कि करी थी। ओके, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों का अनुपात क्या है? आंसर बताइए। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, अगर शेयर नहीं किया है तो। ये धीरज लाल जी है, ये धीरूभाई है, कोई और नहीं है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को वो धीरूभाई बोलते हैं। आप बोलोगे सर ये कौन सा आदमी आ गया, हमने तो धीरूभाई के बारे में सुना था। तो ये धीरूभाई अंबानी है जिनके बारे में हम लोग बात करें, इनका नाम धीरज लाल हीराचंद था। ठीक है, 2002 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत इनके द्वारा ही है जो कि करी गई थी। ओके गाइज, बहुत पहले 1977 में ही जो है इस कंपनी जो है ये पब्लिक हो गई थी। पद्म विभूषण से भी इनको 2016 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे वाली बात करते हैं। कितने रिटायर होते हैं भाई? 1/3 लोग रिटायर होते हैं 2 साल में। 6 साल का कार्यकाल है जो कि राज्यसभा के एमपी का होता है, तो आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, एमएलसी जो होते हैं ना उनका भी सेम होता है, जो आपके विधान परिषद होते हैं उनके भी ऐसा ही होता है, 1/3 रिटायर होते हैं 2 साल में, 6 साल का कार्यकाल है जो कि होता है। ठीक है गाइस, उस्ताद जवाद अली खान संगीत की किस शैली के माने जाते हैं? जावेद अली खान, जल्दी बताइए। उस्ताद जावेद अली खान कौन सी म्यूजिक शैली के प्लेयर है जो कि माने जाते हैं? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है जो कि ये माने जाते हैं। ठीक है गाइस, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सी आपका सही आंसर होगा। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है, 1962 में बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, कई सारे प्रोग्राम में कई जगह पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके चलिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कभी बुंदेलो की राजधानी हुआ करता था? बुंदेलो की क्या राजधानी है जो कि हुआ करता था, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जल्दी बताइए। कौन से रूप थी? ओरछा, डी आपका सही आंसर होगा। ओरछा नाम की जो जगह है दोस्तों ये कैपिटल है जो कि बुंदेल रूलर की हुआ करती थी। बुंदेल रूलर दोस्तों राजपूत रूलर हुआ करते थे हमारे मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर 16th और 17th सेंचुरी के अंदर। ठीक है गाइस, ओके, इसकी शुरुआत जो है वो 1551 में रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों करी गई थी, जो कि पहले राजा है जो कि यहाँ के माने जाते थे। जहांगीर महल, राजा राम टेम्पल है ना, बेटवा रिवर के यहाँ पे चित्रभुज टेम्पल, ये सारे इन्हीं के टाइम पे दोस्तों बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, देख सकते हो आप दोस्तों ग्वालियर का जो सेंट्रल का एरिया है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला सवाल, मेमोरी का सबसे छोटा आकार कौन सा है? बच्चों वाला सवाल है, जल्दी बताइए। आंसर बताइए। देखो भाई, सबसे पहले होता है आपका बाइट, ठीक है, फिर आता है आपका किलोबाइट, फिर आता है आपका मेगाबाइट, फिर आता है आपका गीगाबाइट, फिर आता है आपका टेराबाइट, फिर आता है आपका टेरा टीबी तक तो आपको मालूम है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपके पेटाबाइट, फिर आता है हेक्साबाइट, फिर आता है आपके जेटाबाइट, फिर आता है आपका योटोबाइट।
इस तरीके से चलती है। तो आपके यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा हो गया, के बी आपका सबसे छोटा हो गया, यानी कि डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है गाइज, कितनी होती है सबके अंदर, 1024 होता है ना, 1024 किलोबाइट के अंदर एक मेगाबाइट होगा, 1024 मेगाबाइट में एक गीगाबाइट होगा, गीगा के बाद आपको मालूम है टेराबाइट, पेटा, एक्सा, जेटा और यूटा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समझ गए मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी किस तरह है राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताइए। सभी को मालूम है ना, ये तो मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। हाँ, कल मैंने आपको सारे के सारे बताए थे, शुरुआत के चार पांच ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू सी बनर्जी 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे के अंदर पहली मीटिंग हुई है ना, और ठीक है टोटल 61 लोगों ने जो है प्रेसिडेंट के लिए दोस्तों सर्व करने के लिए बोला है, अभी तक टोटल किया है। सोनिया गांधी जो है वो लॉन्गेस्ट टाइम तक की है, और ठीक है गाइस टोटल अभी तक 61। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले डब्ल्यू सी बनर्जी देश की आजादी के बाद में 47 के टाइम पे कौन बने थे, कृपलानी साहब बने थे है ना, जेपी कृपलानी 1947 में, 48 में सीतारामैया जी, वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, बाद वाले आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए यूरोप से भारत के लिए केप मार्क की खोज सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी, जल्दी बताइए। यूरोप से आओगे आप साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप है ना, फिर आप आओगे यहां से केरला, तो ये जो सबसे पहले करी गई थी ये किसके द्वारा करी गई है, ये आपको यहां पे बताना है किसके द्वारा खोज करी गई थी, आंसर बताइए। सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। ठीक है गाइस, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ओके, फर्स्ट पोर्चुगीज सेलर था, यूरोपियन था, जिसने इंडिया विजिट किया। ठीक है, उसका जन्म हुआ था 1460 के पोर्चुगल के अंदर, तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोलंबस तो चला गया था वेस्ट साइड, और ये आया था दोस्तों ईस्टर्न साइड, समझ गए मेरी बात, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1498 के अंदर दोस्तों ये आपको देश में आया था। 1498 के अंदर, ठीक है गाइस ध्यान रखिएगा, 40 गुना ज्यादा इसने प्रॉफिट कमाया, और उसके बाद में यहां पे इन्होंने कॉलोनी बसाने के लिए बोल दिया। ठीक है गाइस ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं ये पूरा रूट था, पहले यहां पे आया, फिर यहां से दोस्तों ये अपने यहां पे आया। मध्य प्रदेश का नेपानगर किस के लिए जाना जाता है, नेपानगर बताइए किस लिए जाना जाता है भाई, आंसर बताइए। नेपानगर, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, न्यूज प्रिंट के लिए बिल्कुल जाना जाता है, तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइस, नेपाल लिमिटेड एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि न्यूज प्रिंट पेपर जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है गाइस, चलिए ये मध्य प्रदेश है, आप सभी को मालूम है इसके बारे में, करंट अफेयर में सुबह 5 बजे वाली क्लास में हम लोग बात करते रहते हैं इनके बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, 5 बजे वाली क्लास देखा करो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बांधवगढ़, कान्हा, बालाघाट, पन्ना, संजय नेशनल, सतपुरा, मेघाट है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अभी चीता जो है वो कूना के अंदर लेके आ रहे हैं। भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करे थे, क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज को लेकर है क्योटो, ये भी आपको बताना है मेरे को। क्योटो और नगोया, ये दो दोस्तों प्रोटोकॉल जो है काफी महत्वपूर्ण है, आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, दोनों जापान की सिटी है। ठीक है, देखो यहां पे क्योटो जो है वो आपके ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है ना, 2005 के अंदर साइन किया गया भारत के द्वारा। इसके अलावा एक और सिटी यहां पे नगोया, नगोया के अंदर भी प्रोटोकॉल होता है जो कि इक्वटेबल शेयरिंग के ऊपर होता है, शेयरिंग के ऊपर होता है। अगर मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी आके हमारे यहां पे अगर मान लीजिए चाय उगा रही है, तो हमारे लोकल लोगों के साथ में भी उनको प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है,
ये नगोया वाला है, समझ गए मेरी बात, दोनों ही ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है गाइज। और 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया था, इंडिया ने 2005 में इसको साइन है जो कि किया है, चलिए ठीक है। 192 कंट्रीज ने अभी तक इसको साइन और रेक्टिफाई है जो कि कर दिया है। टारगेट क्या है, 5.2% 2012 तक इसका टारगेट था ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का, ठीक है। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, सभी को मालूम है इसका आंसर, तो बच्चों वाला सवाल है एकदम, ठीक है। कहां पर है, आसाम के अंदर, दिग्बोय के अंदर, ठीक है गाइज, सभी को मालूम है एशिया की सबसे ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट ओल्ड रिफाइनरी है, ओके। आसाम ऑयल कंपनी लिमिटेड इसको 1901 में इसको बनाया गया था। गंगोत्री ऑफ द इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर भी इसको कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी के उत्तराधिकारी कौन बने, बताइए प्रधानमंत्री कौन बना था, जल्दी बताइए आंसर। देखो जब नेहरू जी की मृत्यु, देखो नेहरू जी बने थे 1947 से लेकर 1964 तक, समझ गए मेरी बात, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तब कुछ टाइम तक के लिए 13 दिन के लिए दोस्तों किसको बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था, समझ गए। फिर वापस से कौन बने, नंदा जी के बाद में हमारे सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो ये आपका सही आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, फिर वापस से दोस्तों 13 दिन के लिए कौन बने, गुलजारी लाल नंदा। तो बेचारे नंदा जी के जीवन में तो दो दो बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बेचारे 13-13 दिन के लिए बने। फिर वापस से इंदिरा गांधी बनी, और फिर 1967 में बनी थी इंदिरा गांधी, 1967 फिर 1974 तक यही रही थी, समझ गए मेरी बात, ठीक है, सॉरी 74 नहीं था, 77 था, 77 तक यही बनी थी। और उसके बाद में मोरारजी देसाई बने 77 से 79, फिर चौधरी चरण सिंह बने, फिर वापस से इंदिरा गांधी आ गई थी 4 सालों के लिए, फिर राजीव गांधी आए 89 तक, फिर विश्व प्रसाद जी, चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव, अटल बिहारी जी, देवगौड़ा जी बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, मनमोहन सिंह जी, फिर आपके मोदी जी जो है अभी कौन से 14th प्रधानमंत्री हमारे देश के, ठीक है गाइस ध्यान रखिएगा, चलिए ठीक है गाइस। बहुत जबरदस्त नेता थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ओके। ये सारे के सारे लिस्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं, याद होने चाहिए प्रधानमंत्री तो एटलीस्ट आपको, ओके। भूदान आंदोलन के लिए कौन जाना जाता है, भूदान मूवमेंट के लिए कौन जाना जाता है भाई, जल्दी बताओ। रिफॉर्म मूवमेंट था, 1951 में करवाया गया था तेलंगाना रीजन के अंदर, बिल्कुल सही है आचार्य विनोबा भावे, डी आपका सही जवाब है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों करवाया गया था 1951 के अंदर, ठीक है गाइस, ओके। जबरदस्त सोशल रिफॉर्मर थे ये। वातापी की स्थापना किसने करी थी, आंसर बताइए, जिसको बादामी बोलते ना कर्नाटका में, उसी के बारे में बात कर रहा हूं, इसको बादामी बोलते हैं कर्नाटका के अंदर, पुलकेश प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है, सी आपका सही आंसर है, पुलकेश प्रथम के द्वारा चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, इनके द्वारा दोस्तों करी गई थी, ठीक है गाइस। चालुक्य ऑफ बादामी भी इनको कहा जाता है, कीर्ति वर्मन के दोस्तों बेटे थे, बहुत ही जबरदस्त लीडर थे, ओके। चालुक्य डायनेस्टी ने दोस्तों 600 साल तक जो है वो राज किया है, आप देख सकते हैं ऊपर वाले एरिया में। चित्रभुज नाला में पूर्व ऐतिहासिक चित्रित रॉक शेल्टर डैश में स्थित है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कहां पर है भाई, जल्दी बताइए, कौन सी जगह के ऊपर है, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपके भोपाल डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों पास में गांव पड़ता है जिसको अपन भानपुर कहते हैं, तो रॉक शेल्टर दोस्तों आपको वहीं पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइस। चित्रभुज नाला जाम की एक जगह है ना, वहां पे आपको दोस्तों ये पुराने देखने को मिलते हैं, मंदसौर जिले के एक छोटे से जगह है भानपुरा में, शहरी जीवन की हलचल से दूर दोस्तों यहाँ पे ये जगह है जो कि अवेलेबल है, ठीक है गाइस।
चित्रभुज नाला के नाम से इसको काफी फेमस है जो कि माना जाता है। सावधि जमा बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले एक वित्तीय साधन डैश के रूप में भी जाना जाता है। फिक्स डिपॉजिट को दोस्तों क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट को क्या बोलते हैं भाई, और जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, टर्म डिपॉजिट के तौर पे भी इसको जाना जाता है। ठीक है गाइस, इन्वेस्टर जो है वो पैसा कुछ टाइम तक के लिए फिक्स कर देते हैं। इसमें 5 से लेकर 7% 8% तक आपको इंटरेस्ट है जो कि मिलता है। 7 साल 10 साल 15 साल कितने टाइम तक के भी आप FD करवा सकते हैं। ठीक है, डूब जाता है तो आपको कोई 2-3 लाख रुपए ज्यादा नहीं मिलते बैंकों में रखा हुआ पैसा, इसलिए FD करवाते हैं लोग। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, जल्दी बताइए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें तो पहली अध्यक्ष कौन थी, जल्दी बताइए, और अभी कौन है ये भी बता दो मेरे को, दोनों का जवाब दे दो। देखो उसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 के अंदर। ठीक है, जयंती पाठक है दोस्तों जो कि सबसे पहले जो है इसकी चेयरपर्सन बनी थी। ठीक है गाइज, अब और फिलहाल कौन है अभी, रेखा शर्मा है। क्या नाम है? रेखा शर्मा। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ही परिवार से संबंधित है जो मुक्ति मुक्त और रिलीज के रूप में है? थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। मतलब क्या ये जीके का क्वेश्चन कम और थोड़ा आपका वोकैबुलरी का ज्यादा है। इमेंसिपेट करना, फ्री करना, रिलीज करना, इसका मतलब क्या होता है? लिबरेट करना भी इसी का पार्ट है। तो ये इंग्लिश के वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। ठीक है, जीके में डाल दिया एक तरीके से। चलिए, मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, डी आपका सही आंसर है, 1 नवंबर 2000 को। 2000 को आपका उत्तराखंड भी बना था। 2017 की फिल्म पिंक ने मुख्य अभिनेता की भूमिका किसने निभाई थी? पिंक, नो मींस नो, कौन है सभी को मालूम है ना, अनुराधा रॉय चौधरी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। अमिताभ बच्चन, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइज, अमिताभ बच्चन, बिल्कुल सी आपका सही आंसर है, थ्रिलर मूवी थी। LK आडवाणी किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लोकप्रिय है? क्या सवाल है यार। डी आपका सही आंसर है, पॉलिटिक्स। ठीक है, 7th Deputy PM भी रहे हमारे देश के, बीजेपी को की शुरुआत इनके द्वारा ही करी गई थी। IIT मद्रास के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट शक्ति के तहत रेशम उद्योग मानक के साथ पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। 300 चिप्स के शुरुआती बैच का क्या नाम है? तो ये एक तरीके से करंट अफेयर का सवाल है जो कि आपका पूछा गया था और इसका नाम रखा गया था उस टाइम पे रिस्क क्रीक। डी आपका सही आंसर है। IIT मद्रास ने दोस्तों फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर सिल्क इंडस्ट्री के चिप से जो कि बनाई थी प्रोजेक्ट शक्ति के तहत। ठीक है, भारत के साथ स्थलीय सीमा सांझा कौन सा देश नहीं करता है? यह भी बच्चों वाला सवाल है। अरे भाई, श्रीलंका, मालदीव, ये सब करते हैं क्या भारत के साथ में लैंड शेयर? नहीं करते। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अनअकैडमी पे दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी प्लस पे कर सकते हैं, जहां पे आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर की पूरी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी। ओके, लाइव क्लासेस हो गया, आपकी डाउट क्लासेस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई। ओके, साथ में आप यहाँ पे सारे एजुकेटर के लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज, एजुकेटर पूरी थे आपको पूरी कंप्लीट क्लासेस है ना, आपको PDF हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। साथ में 1 जून से कंप्लीट फाउंडेशन बैच GK का मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। SSC की कैटेगरी के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी और फाउंडेशन बैचेस 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ GK, तो ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ऐप डाउनलोड कर लो, मोबाइल नंबर डाल लो, उसके बाद में आप SSC आपका जो भी गोल है UPSC वो सेलेक्ट कर लो, प्लस में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन में,
यहाँ पे 12 महीने 24 महीने सेलेक्ट करके नीचे BHU-10 है जो कि आपको लगाना है, ठीक है गाइस, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ आप BHU-10 लगा दीजिएगा, EMI के माध्यम से पे करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। 450 रुपए पर मंथ के अंदर आपको पूरी क्लासेस है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।